इस लोकसभा चुनाव में हारने वालों में तो कई नाम होंगे जिन पर आज चर्चा हो रही होगी, लेकिन जिस नाम ने लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाया है वो नाम है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी के लिए 17वीं लोकसभा का चुनाव कभी ना भूलने वाला होगा। उन्हें वायनाड ने भले ही चुनकर संसद भेजने की तैयारी कर ली हो, लेकिन उनकी परंपरागत सीट अमेठी ने उन्हें सिर से नकार दिया। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दी है। 2009 में राहुल 3 लाख वोटों से जीते थे तो 2014 में स्मृति ईरानी ने राहुल की जीत का अंतर कम कर दिया था। राहुल महज 1 लाख से ही जीत सके थे, लेकिन अमेठी में उनका जाना कभी कभार ही होता था। हार के बावजूद अमेठी में स्मृति ईरानी की मौजूदगी दिखाती थी कि वो अमेठी के लिए काम कर रही हैं। उसने ही स्मृति जुबिन ईरानी की जीत की कहानी लिख दी थी। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी ने नतीजों से पहले ही हार मान ली। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। ये लोकतंत्र है और मैं चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी प्यार से अमेठी की देखभाल करें। जो भरोसा अमेठी की जनता ने उनमें रखा है उसको वो पूरा करें। मध्य प्रदेश में भोपाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा से चुनाव हार गए हैं। 2003 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सक्रिय राजनीति से 10 साल तक बाहर रहे। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए चुना। इस बार उन्होंने एमपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। भोपाल 30 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है और कमलनाथ चाहते थे कि सीनियर लीडर मुश्किल सीट से लड़े। साध्वी प्रज्ञा के साथ जिस तरह से भोपाल में जन समर्थन दिख रहा था, उसके बाद दिग्विजय सिंह जनता से संवाद करने की बजाय तंत्र मंत्र में व्यस्त हो गए, हठयोग किया। उन्होंने भी हिंदुत्व का सहारा लेना चाहा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। अब हारने के बाद दिग्विजय पूरी तरह से राजनीति से बाहर हो चुके हैं। भोपाल संसदीय क्षेत्र के मतदाता भाइयों और बहनों का जो जनादेश है उसको मैं स्वीकार करता हूं और आपसे फुर्सत में कल शाम को 4 बजे मैं प्रेस वार्ता लूंगा, फिर आपसे अलग से बात करूंगा। 81 साल की शीला दीक्षित को उत्तर पूर्वी दिल्ली से हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें बीजेपी के मनोज तिवारी ने शिकस्त दी है। इससे पहले वो 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में हार चुकी हैं। तब उन्हें केजरीवाल ने हराया था। शीला दीक्षित लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके लिए ये लोकसभा चुनाव काफी अहम था। उनकी अगुवाई में दिल्ली में कांग्रेस ने सभी सीटों पर हार का सामना किया। अगले ही साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता तो अगले साल और उत्साह से तैयारी की जाती, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं है। बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा किसके लिए शत्रु साबित हो रहे हैं, ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा। पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के रविशंकर प्रसाद से शिकस्त खा चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी से ही 2014 में पटना साहिब सीट से सांसद चुने गए थे, फिर उनकी नाराजगी बीजेपी नेतृत्व से बढ़ती गई। गाहे बगाहे वो पार्टी के खिलाफ बोलते रहे थे, जिसे काफी अरसे से पार्टी सहती आ रही थी। बाद में चुनाव से ठीक पहले शत्रुघ्न सिन्हा की बीजेपी से विदाई हो गई और बाद में कांग्रेस ने उन्हें पटना साहिब से ही टिकट दे दिया। शत्रु बाबू का बड़बोलापन उनके लिए बीजेपी में भी मुश्किल पैदा कर रहा था और कांग्रेस में भी। वो खुद को बड़े शान से बिहारी बाबू कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन इन नतीजों ने बता दिया है कि खुद बिहार उन्हें नापसंद करता है। ये पंक्तियां हैं कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, मैं हर हाल में अपने लोगों के साथ हूं, साथ था और आगे भी साथ रहूंगा। पटना साहब रिमेन्स माई फर्स्ट चॉइस, माई सेकंड चॉइस एंड माई लास्ट चॉइस। मैं पब्लिक लाइफ में हूं, पब्लिक लाइफ में था और पब्लिक लाइफ में अपना भरपूर योगदान देने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा।